हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रेगुलर टॉप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लेना है हमें शोल्डर का पार्ट। तो शोल्डर का पार्ट है हमारा 7 इंचेस, प्लस उसमें हम 6 इंचेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। यहाँ पे हम एक्सटेंडेड स्लीव्स बनाने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 6 इंचेस ऐड करना है स्लीव्स के लिए। तो टोटल हम ले रहे हैं 13 इंचेस। तो ये मैंने 13 पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। तो 9 पे हमें एक मार्क लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 3 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। यहाँ पे मैं लूज टॉप बना रही हूँ, इसलिए सीम अलाउंस में 3 इंचेस ऐड कर रही हूँ। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। तो यहाँ पे 1 इंच हम कम करेंगे। उसके बाद टोटल लेंथ है हमारी 25 इंचेस। और यहाँ पे लेनी है हमें हिप्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। अब यहाँ पे हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये है हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। उसके बाद यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है, तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह का शेप ड्रॉ करना है हमें। और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। हाई नेक बना रही हूँ इसलिए लेंथ कम रखूँगी। और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग की हुई है, हमें इसे कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, यहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से 1/2 इंच में क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम नेक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर मैंने नेक के शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस तरफ हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पर टर्न करना है और बैक साइड पे आप डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक का नेक तैयार करना है। ये देखिए, हमने नेक तैयार कर लिया है, मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी हमें दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अभी जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है। तो इस तरह का मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी 7 इंचेस और लेंथ मैंने ली है 8 इंचेस। अब सबसे पहले हमें बॉर्डर तैयार करनी है, तो इसे हमें बैक साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब ऊपर से अप्रॉक्स 9 इंचेस पे हमें एक मार्क करना है
और यहाँ पे हमें इस पॉकेट को लगाना है। तो इस तरह से अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो तीनों साइड आपको फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने पॉकेट को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो देखिए स्लीव्स के बॉर्डर को हमें तैयार करना है। तो इस तरह की मैंने स्ट्रिप तैयार की हुई है जिससे हम इसके नीचे उल्टा रखेंगे। रॉन्ग साइड पे आपको स्ट्रिप को भी रॉन्ग रखना है और दोनों को अच्छे से मिला के हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्ट्रिप हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है और राइट साइड पे आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी बॉर्डर अटैच हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फैब्रिक को फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह के दो स्ट्रिंग्स मैंने बनाए हुए हैं जिसे हम ये जो हमारी स्लीव्स है इसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और रॉन्ग साइड पे यहाँ पे ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे लॉक करेंगे। अप्रॉक्स 2.5 इंच जितना हम यहाँ पे मार्क करके लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक साइड पे मार्क लगा दिया है। उसके बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके फिटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। मैंने बॉर्डर यहाँ पे फोल्ड कर ली है। अब जो हमने स्टिंग लगाई थी उसे हमें इस तरह से राइट साइड पे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम बटन लगा के इसे लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे थ्रेडो नीडल से इसे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें बटन को लगाना है। तो ये देखिए हमने बटन को यहाँ पे फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रेगुलर वेयर टॉप बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर टॉप। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।